संविधान कोई खिलौना नहीं है, ये बाबा साहब के खून पसीने की कमाई है, इसको कभी कोई बदल नहीं सकता। संविधान तो खत्म करते जा रहे हैं। देखिए चाय बनाने वाले बच्चे को किस कौन बना सकता है प्रधानमंत्री, ये संविधान की देन है। संविधान से छेड़खानी होना का इसका साफ साफ मतलब है कि एक तरह से अस्तित्व खत्म हो जाना, और संविधान से खत्म होने का मतलब बर्बरता और मनमानी का माहौल पैदा होना। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस मौजूद दिल्ली के संसद मार्ग में। आपको बता दें यहाँ पे जो है बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, और अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे जो स्वयं सैनिक दल के लोग हैं वो बाबा साहेब को जो है सलामी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके की भीड़ यहाँ पे जो है लगी हुई है, हाथों में झंडे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आगे जो भंते जी हैं वो भी मौजूद हैं, और आगे देखिए महिलाएँ यहाँ पे हैं और जो युवा है वो भी यहाँ पे है। देखिए पूरी जो ड्रेस है वो पूरी पहनी हुई है, इन लोगों ने सलामी दे रहे हैं जो है बाबा साहेब को, सलामी दी जा रही है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लाखों लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज जो है बाबा साहेब की जो जयंती है, जन्म दिवस है जो मनाया जा रहा है यहाँ पे। हम अपने तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह जो हैं वो भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें यहाँ पे चीज़ों की, जो संविधान है, जो संविधान हमें बाबा साहेब ने दिया है उसी को लेकर यहाँ पर लोग जो है एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर अगर देखिए तो लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है, जिस तरीके की आजकल जो स्थिति चल रही है कि संविधान को बदल देंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? संविधान को देखिए कोई बदल नहीं सकता। संविधान कोई खिलौना नहीं है, ये बाबा साहब के खून पसीने की कमाई है, इसको कभी कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इसके कुछ संशोधन में कुछ कानून कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं लोग, बाकी संविधान बदलने की इसमें ताकत नहीं किसी में। लेकिन जो है वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हमने बाबा साहब के सपनों का भारत ही बनाया है। मोदी जी को खुद समझ में आना चाहिए कि मैं भी उस समाज से आता हूँ जिस समाज में सुबह चेहरा नहीं दिखाते लोगों को, कहते तुम तेली जात के हो, और वो संविधान की वजह से आज जो भी बने हैं, महामहिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से बने हैं, ना कि गीता कुरान। कहते हैं ना मैं खुद ही ओबीसी हूँ, कहेंगे ना वो तो कहेंगे ना, वो तो ओबीसी है ही, उसमें क्या है, पर संविधान के तो हैं, वो बाबा साहब के तो है ना, बाबा साहब की वजह से अधिकार मिला ना उनको। तो आप देखिए चाय बनाने वाले बच्चे को किस कौन बना सकता है प्रधानमंत्री, ये संविधान की देन है, संविधान से सब कुछ है। संविधान से चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, संविधान की चलती प्रधानमंत्री, संविधान चला रहा है तो संविधान चला रहा है, तो संविधान चलाएं, थोड़ी कह रहे हैं कि कोई नहीं चला, संविधान से ही चलेगा। हाँ। मनमानी तो नहीं कर सकता ना कोई व्यक्ति। हाँ। संविधान के कानून के नियम जो है नियम से अनुसार, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मनमानी कर रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं। हाँ। एटोसिटी में कर रहे हैं, आरक्षण में कर रहे हैं, सब में कर रहे हैं। हाँ। नहीं करना चाहिए, गलत बात। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। आज यहाँ पे आप मौजूद हैं, जन्म दिवस है बाबा साहेब का, तो क्या लग रहा है, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम हर प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, बड़ा आनंद आता है बाबा साहब की जन्म जयंती पर, बड़ा हर्ष के साथ में हम आनंद मग्न हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब क्या लग रहा है, जो जिस तरीके का पहले जातिवाद होता था, इतना संघर्ष करके बाबा साहेब ने जो जातिवाद खत्म करने की कोशिश की, जो आज की स्थिति क्या लग रही है? ऐसा मैडम कुछ नहीं है, बिल्कुल जबरदस्ती ये क्लियर कट है कि निश्चित रूप से इतनी एट्रोसिटी हो रही है दलितों पर, चारों तरफ जो है एट्रोसिटी का माहौल है और अत्याचार असहनीय होता जा रहा है, और हर कोई इंसान के अंदर जो है अलग ही इस मैटर में अलग ही विचार है। मतलब लोग जो है, लेकिन यहाँ पे अगर लोगों को देखा जाए तो एकदम संविधान के समर्थन में है, बाबा साहब के समर्थन, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है? देखो जी, सभी संविधान के समर्थक में हैं, संविधान ही हमारी जड़ है, संविधान ही मूल है। संविधान से छेड़खानी होना का इसका साफ साफ मतलब है कि एक तरह से अस्तित्व खत्म हो जाना, और संविधान से खत्म होने का मतलब बर्बरता और मनमानी का माहौल पैदा होना, इसमें कोई दो राय। इस साल में जो भाजपा सरकार रही है उसमें क्या लग रहा है, क्या कुछ बदला है या अच्छा काम किया है जिस तरीके के बाबा साहब? मैं कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पे जो है हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत हम लोगों से कर रहे हैं, और सर क्या कहेंगे आप संविधान को लेके, आज यहाँ पे बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। मैडम उनका संविधान तो खत्म करते जा रहे हैं, उनका संविधान खत्म करते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, कोई उसका औपचारिक वो नहीं है। कौन खत्म कर रहा है? आप अंडरस्टूड हो आप कौन कर रहा है, या आप भी जानते, खूब अच्छी तरह से जानते हैं किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग दिख रहे हैं तो जितने जनसैलाब पूरा दिख रहा है, वोट देके ही बचेगा। अगर हम लोग बहुजन समाज को उठाएंगे तो संविधान बच पाएगा, अदरवाइज नहीं। बहुजन समाज तो अभी तक जाग नहीं पाया है क्या? अब जगाएंगे, कर रहे हैं कोशिश,
कोशिश तो हर जगह होती है। मोदी जी कितना भागते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, वो क्यों भाग रहे, डर के ही तो भाग रहे हैं बस। लेकिन अगर 2024 में दोबारा वही आ तो संविधान फिर भी खतरे में है, वो तो फिर मजबूरी है, सहन करेंगे, बाकी ऊपर वाला जाने। चलो ठीक है सर, क्या लग रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे आए हैं, पूरे यहाँ पे सलामी दी जा रही है बाबा साहेब को। हम गुजरात से आए हुए हैं, हम करीब 20-25 हज़ार लोग आए हैं यहाँ, करीब ये वर्दी वाले लोग हैं, ये सब SSD स्वयं सैनिक दल जो बाबा साहेब की विचारधारा पे चलता है, उन्हीं के माध्यम से यहाँ सब आए हैं। और ये वर्तमान परिस्थिति जो देश का हालात है, इसको देखकर ये सब संगठित हो रहे हैं, और कुछ ये व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो बहुत बहुत सारी कमियां हैं, जो शिक्षण में कमियां हैं, सब जगह कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए, कुछ संविधान जो खतरे में है उसको बचाने के लिए ये सब संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बाबा साहेब को सलामी दी जा रही है, पूरे यहाँ पे लोग जो है स्वयं सैनिक दल के जो बाबा साहेब की विचारधारा पे चलते हैं वो यहाँ पे खड़े होके बाबा साहेब को सलामी दे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लाखों का जनसैलाब यहाँ पे मौजूद है, जिन बाबा साहेब ने हमें संघर्ष करके जो है जातिवाद ख़त्म करना सिखाया, जातिवाद से लड़ना सिखाया, आज उन्हीं को सलामी दी जा रही है। और हम आपको बता दें कि आज जो है जन्मदिवस है, जो 134वां जन्मदिवस जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है, हर साल यहाँ पे 134वां जन्मदिन मनाया जाता है, तो आज भी उसी तरीके से जो है यहाँ पे सलामी दी जा रही है। हमने लोगों से बातचीत करी, लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो 10 साल में चीज़ें चेंज हुई हैं और संविधान को जिस तरीके से बदलने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज जो है एक साथ है, एकत्रित है, तो जो संविधान जो है वो बदलने नहीं देगा। जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती हुई नज़र आ रही है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे आज देखिए लाखों का जनसैलाब है, और सबसे तो यही बोले कि 2024 में दोबारा ये सरकार आती है संविधान जो है खतरे में ही रहेगा। मैम आप यहाँ पे आई हैं, क्या लग रहा है आज आपको कि आज हर साल आती हैं आप यहाँ पे? हर साल आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं? पुरानी कॉलोनी से, दिल्ली से। पुरानी कॉलोनी से आई हैं आप जी? तो हर साल आती हैं ऐसे ही? हर साल आते हैं, बराबर आते हैं। क्या लग रहा है कि आज की स्थिति में आप सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, हमारे संविधान को खतरा है तब हम आते हैं यहाँ एक साथ आवाज उठाने के लिए। यहाँ पे हर साल बदलना चाह रहे हैं लोग जी, कैसे बचाएंगे? बहुजन समाज एकत्रित हुआ है, बिल्कुल एकत्रित है, सब एक इकट्ठा है, सब बहुजन समाज सब इकट्ठा है, सुबह से सब लोग आ रहे हैं बहुत बहुत दूर से। मैम क्या कहेंगे आज यहाँ पे आप लोग आए हैं संविधान को बचाने के लिए, संविधान के समर्थन में, बाबा साहेब के समर्थन में आइए, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे बाबा साहब का आज जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? हम शाहदरा दिल्ली। हमेशा आते हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा, तो जिस तरीके से आज की स्थिति जो बताई जा रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, जातिवाद नजर आ रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, हमारा संविधान कहीं खतरे में नहीं है, कहीं खतरे में नहीं है, हमारा संविधान रहेगा और यही चलता रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन इस तरीके से बोला जा रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, दलितों को फिर से वो शोषित बन, जो दलित थे उनको वापस शोषण करा जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये संविधान हमारा है और यही रहेगा, इसको कभी नहीं मिटाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप इसी तौर पर बोल रहे हैं कि संविधान को लेके जो चीज़ें बोली जा रही हैं, अब देखना है कि दोबारा जिस तरीके से बोला जा रहा है, अगर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या संविधान सच में खतरे में है, और क्या तानाशाही देश बन जाएगा और लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।